हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, राइट? डेफिनेशंस क्या थे? आई रीड आउट जस्ट लास्ट 2-3 डेफिनेशन जो छोटे छोटे इजी वाले हैं। पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल ओपिनियन इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड और बिलीव्स हेल्ड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन। देन the collective opinion of many people on some issues, problem, especially as a guide to action, decision or the like. Public opinion is a measure of what the public thinks about a particular issue, party or individual political figure. Then we were looking at the meaning of the public opinion. Meaning mein apan ne kya dekha? Public opinion kya hai? Ye desire hai, ye ek want hai, ये सोच है बहुत से लोगों की, राइट? इट इज़ द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ अ सोसाइटी और अ स्टेट ऑन अ इशू और अ प्रॉब्लम। ये टर्म पब्लिक ओपिनियन, अपन इतना बात कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल, ये आया कहाँ से? इट केम फ्रॉम द फ्रेंच ओपिनियन पब्लिक विच वॉज फर्स्ट यूज इन 1588 बाय मैकेले दे मोंटेगनी। The French term opinion publique also was included in Julie or the new Helois by Jean-Jacques Rousseau. The phrase in English include William Temple's or general opinion and John Locke's law of opinion. Then अभी इसमें public opinion में तीन law है। It is according to John Locke, man was subjected to 3 laws. First is the divine law, second is the civil law, and the most importantly, the law of opinion. और ये जो third law है, law of opinion, इसको बहुत ज़्यादा importance दिया गया है. Then the emergence of public sphere was due to increasingly literacy, which was spurred by Reformation and the printing press. See, religious literature was replaced with secular literature, novel. पहले क्या था? खाली religious literatures थे. फिर उसके बाद क्या क्या आए? Then novels आए, pamphlets आए. इससे क्या हो गया? लोगों को read करने के लिए बहुत कुछ मिलने लग गया. Then came a public library and all. जो भी इंफॉर्मेशन है, इट वेंट थ्रू अ वाइड स्प्रेड और हर इंसान के पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी. देन कॉफ़ी हाउस सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुआ था? इट वाज डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी इन द लंदन, राइट? यहाँ पे क्या था कॉफ़ी हाउस में? बहुत से लोग आते थे एंड जो चाहिए वो न्यूज़पेपर रीड करते थे वहाँ पे. मतलब कोई भी आके न्यूज़पेपर रीड कर सकता था और हर तरह के न्यूज़पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल थे कॉफ़ी हाउस में. एंड बाय द 1739 देयर वेर 551 कॉफ़ी हाउस इन लंदन. देन देयर केम द जेंटलमैन क्लब्स. ये कब आया? जेंटलमैन क्लब्स केम इन द 18th सेंचुरी एस्पेशली इन लंदन. और ये क्लब क्या है? ये कॉफ़ी हाउस को इन्होंने टेक ओवर कर लिया और आज भी कुछ जेंटलमैन क्लब हाउस वहाँ पे फेमस है लंदन में, लाइक वाइट्स, ब्रॉक्स, ऑर्थर्स एंड वुडलीज एक्साइटिंग. इवन टुडे दे आर फेमस. यहाँ पे क्या था क्लब जेंटलमैन क्लब हाउस में? क्या था कि बाबा इलिटरेट लोगों को भी आने की परमिशन थी, तो वो लोग भी आते थे, वो लोग भी कुछ सीखते थे, सुनते थे एंड ऑल. तो इससे क्या हो गया? लिटरेसी रेट क्या हो गया? इम्प्रूव होने लग गया. यहाँ पे गवर्नमेंट को पब्लिक ओपिनियन का इम्पोर्टेंस पता चलने लग गया. अगर गवर्नमेंट को कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, इट वाज इंस्पेक्टेड फॉर द पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन हैज़ द पावर टू एंश्योर दैट रूलर वुड रूल फॉर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटर नंबर. Now we'll move towards the next point. Social movements have influenced
public opinion, right? Social movements have left a mark on the history of public opinion. बराबर है, बहुत से social movements थे जो आज भी अपने जीवन में important रखते हैं, जैसे इंडिया में वो सॉल्ट सत्याग्रह एंड ऑल, वो आज भी उसको भी इम्पोर्टेंस है ना, आज भी अपने को याद आता है सॉल्ट सत्याग्रह बोला तो, गांधी जी, डांडी मार्च, सब याद आता है ना, साबरमती आश्रम. नॉट ओनली द गवर्नमेंट ओपिनियन बट ऑल्सो हेल्प इन रेजिंग द अवेयरनेस ऑफ कोर इशू दैट पीपल स्ट्रगल विद. सी, सिर्फ गवर्नमेंट ओपिनियन पे ही ध्यान नहीं देते हैं, बट बहुत से इश्यूज भी रहते हैं जिसे आम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं. जैसे देखो, अभी कोरोना जब आया तब क्या हुआ, देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन. कंप्लीट लॉकडाउन हो गया तो क्या हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से जो गरीब लोग थे उनके बहुत हाल हो गए. उनको काम नहीं था, काम नहीं था तो उनके पास पेमेंट नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था. तो क्या है, गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मुफ्त में राशन देना चालू किया. किया ना, किसी किसी को 10 किलो चावल, 2-4 किलो दाल वगैरह गवर्नमेंट ने मुफ्त में राशन देना चालू कर दिया, ताकि लोगों को तकलीफ थोड़ी सी कम कर सके. और जो डेली वेजेस वर्कर थे, साइट पे वगैरह जो थे लेबर, जो रोज़ काम करके कमा के खाते थे, जब साइट सारे बंद हो गए तो ये लेबर के भी हाल हो गए. फिर भी बहुत से बिल्डर लोगों ने इन लेबर को कुछ ना कुछ तो ऐसे बहुत पैसा दिया है, थोड़ा ऐसा पैसा देते थे, थोड़ा दान वगैरह दिया, और थिंग्स वेन गोइंग ऑन. तो ये सारे जो इश्यूज थे लोगों के, इस पे ध्यान भी देना गवर्नमेंट का ही काम है. तो गवर्नमेंट कैसे ध्यान देगा, अगर गवर्नमेंट को अपन अवेयर करेंगे तभी गवर्नमेंट ध्यान दे पाएगा. सोशल मूवमेंट कैन स्टार्ट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, द गवर्नमेंट इम्प्रूव्स एक्शन, एनवायरमेंटल कंसर्न एंड लॉस ऑफ फ्रीडम. सी, सोशल मूवमेंट कैन स्टार्ट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन. अब सोशल मूवमेंट सब क्यों होते हैं, क्योंकि अगर समाज में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो बट ऑब्वियसली सोशल मूवमेंट वगैरह होंगे ना. द गवर्नमेंट्स, तो गवर्नमेंट का काम है प्रॉपर एक्शन लेना, सब जगह अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. बिफोर अ सोशल मूवमेंट कैन बिल्ड अ पॉपुलर सपोर्ट, इट मस्ट जनरेट अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल पब्लिक. से बिफोर, अभी सोशल मूवमेंट इससे पहले पॉपुलर हो, उनको इम्पोर्टेंस मिले, उससे पहले क्या है, गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए एंड इट शुड मेक जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ इट. पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टेट दैट गेनिंग अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सोशल मूवमेंट. सी, ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, अभी साइंटिस्ट है क्या जो सिर्फ साइंस का रिसर्च करते वो है क्या, नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट हर चीज़ का साइंटिस्ट रहता है. तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं कि बाबा, गेनिंग अवेयरनेस ये सबसे पहला स्टेप है ऑफ सोशल मूवमेंट. सोशल मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप है गेनिंग अवेयरनेस. सोशल मूवमेंट सीक पब्लिसिटी थ्रू मीडिया कवरेज एंड रिसर्च फाइंड्स दैट मीडिया कवरेज इज ग्रेटर फॉर इवेंट्स दैट आर नॉवल, ड्रामेटिक एंड सेंसेशनल्स. सी, सोशल मूवमेंट को पब्लिसिटी मिलती चाहिए, कैसे मिलती है, मीडिया कवरेज से. अपने आप सोशल मीडिया, सोशल मूवमेंट को कवरेज मिलती है. फिर बहुत से रिसर्च ने ये भी फाइंड किया है कि मीडिया कवरेज क्या है, बहुत रहता है नॉवेल, ड्रामेटिक और सेंसेशनल इशू जो रहते हैं उसके ऊपर मीडिया कवरेज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है. देन सोशल मूवमेंट कैन चेंज बेस्ड ऑन देयर प्रोटेस्ट टेक्निक्स एंड दोज टेक्निक्स कैन हेल्प देम गेन पॉपुलर सपोर्ट. सी, सोशल मूवमेंट्स कैन चेंज बेस्ड ऑन देयर प्रोटेस्ट टेक्निक. सोशल मूवमेंट क्या कर सकता है, कैन, अभी जो प्रोटेस्ट टेक्निक है और जो टेक्निक जिससे लोगों को पॉपुलर सपोर्ट मिले, सोशल मूवमेंट से ये सब हो सकता है.
सोशल मूवमेंट बदल भी सकती है, अगर कोई अच्छी टेक्निक आ गई या फिर कोई उसका अच्छा सपोर्ट मिल गया तो सोशल मूवमेंट क्या है आपका, बदल भी सकता है, रुक भी सकता है, अलग मोड भी ले सकता है। एक्टिविटीज़ हाउ टू ग्रैपल विथ हाउ टू कम्युनिकेट द एजेंडा डेली, सी एक्टिविटीज़ हैव टू ग्रैपल विथ, अभी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट द एजेंडा डेली, अभी अपना रोज़ का एजेंडा अपने को लोगों तक कैसे पहुंचाना है इस चीज़ का भी तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिविटी डिलेमा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी डिलेमा बोलते हैं। द टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स द आर्टिकल डिस्कसेस आर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम टेक्निक्स, सी अभी ये टू टाइप्स की टेक्निक्स कौन सी है, एक तो मॉडरेट एंड द सेकेंड वन इज द एक्सट्रीम टेक्निक। एक्सट्रीम टेक्निक्स आर एनी प्रोटेस्ट टैक्टिक्स दैट आर वायलेंट। एक्सट्रीम टेक्निक्स क्या है, आर एनी प्रोटेस्ट टेक्निक दैट आर वायलेंट। अ मॉडरेट टेक्निक बी देम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लैब प्रोटेस्टिंग, सी मॉडरेट टेक्निक क्या है, लैब के सामने खड़ा रहने का और प्रोटेस्ट करने का, मतलब शांति से काम करने कुछ नहीं देने का। मॉडरेट टेक्निक आर शोइंग द पब्लिक दैट दे प्रोटेस्ट विदाउट द यूज़ ऑफ वायलेंस, सी एक्सट्रीम्स क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, तोड़ फोड़ तहस नहस बहुत करते हैं, और मॉडरेट्स क्या करते हैं, शोर शराबा करते हैं बट किसी को वायलेंस नहीं यूज़ करते, मतलब दंगा फसाद ये कुछ नहीं करते। सीधा क्या है, लैब से आपको प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे लैब है तो आपको प्रॉब्लम है ना, सीधा लैब के बाहर जाके बैठ जाते हैं, कोई अंदर जाने का नहीं, कोई काम नहीं करने का, ये मॉडरेट्स करते हैं। एक्सट्रीम क्या करते हैं, लैब को ही तोड़ फोड़ कर देते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम एंड द मॉडरेट्स। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट स्टार्टेड इन 1963 विथ बेटी फ्रेडन्स बुक, सी द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इट स्टार्टेड इन 1963 विथ बेटी फ्रेडन्स बुक द फेमिनाइन मैस्टिक्यू। ड्यूरिंग दिस टाइम वुमेन वेर सीन ओनली वर्किंग इन द होम एज अपोज टू मैन वर्किंग आउटसाइड ऑफ द होम, सी अब 1963 तक क्या था सीन कि बाबा वुमेन बाहर जाके काम नहीं करेगी, मतलब लेडीज़ लोग सिर्फ घर के अंदर काम करेंगे और घर के बाहर जाके सिर्फ जेंट्स लोग काम करेंगे, जेंट्स क्या करेंगे, दे वुड बी वर्किंग आउटसाइड ऑफ द होम। मैनी ऑफ द हाउस वाइफ्स फाउंड टू इरेज सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, सी बहुत से हाउस वाइफ क्या करते थे, वो ये डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करते थे, कैसे बाहर जाते थे वो भी काम करने के लिए। आज अपना सोसाइटी कैसे हो गया है, टुडे मैन एंड वुमेन बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, इनफैक्ट मैन से ज़्यादा वुमेन लोग बाहर काम कर रहे हैं आजकल, और मैन से ज़्यादा इवन वुमेन्स आर अचीविंग मोर। आज हर फील्ड में वुमेन दिखती है आपको, राइट फ्रॉम अभी एक अपना सिविल सर्विस लाइक पुलिस ने एयरफोर्स में वगैरह, ऐसा था कि अब तक लेडीज़ लोग नहीं थे बट अब लेडीज़ लोग एयरफोर्स में भी आ चुके हैं, मिलिट्री में भी लेडीज लोग आ चुके हैं। अभी लेजिस्लेशन वॉज अचीव्ड बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट, सी लेजिस्लेशन क्यों आया, बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट। द इक्वल पार्टी एक्ट ऑफ 1963 थेरेटिकली डिस्कार्डेड द जेंडर पे गैप, अ सीरीज ऑफ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस टू द 60s एंड 70s गेव मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन the right to use birth control, gave women the right to educate equality. See, फिर क्या आया यहाँ पे, the equal pay act आया of 1963 theoretically. इसमें क्या था, पहले gender gap था, मतलब women काम भी करती थी तो उनको उतना pay नहीं मिलता था जितना men को मिलता था। अभी एक ही काम, right, packaging का काम, ये पैकेजिंग का काम मेन भी कर रहा है और वुमेन भी कर रही है, बट वही पैकेजिंग के काम के लिए मेन को मिलता है 100 रुपीज़ और वुमेन को मिलता है 75 रुपीज़, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था।
फिर ये जब ये इक्वल पे एक्ट आया ऑफ 1963 तो क्या हुआ, ये गैप रिड्यूस हो गया, दिस गैप वॉज रिड्यूस, ये गैप पूरा, ये जेंडर पे गैप ख़त्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। और भले ही आप मैरिड रहो अनमैरिड वुमेन रहो, यू हैव अ राइट टू यूज़ योर बर्थ कंट्रोल। इससे क्या है, इवन वुमेन गॉट राइट टू गेट एडुकेटेड, मतलब जितना आपको पढ़ सकना है आप पढ़ सकते हो, हर चीज़ में वुमेन को भी इक्वलिटी दे दी गई थी। इन 1973 रॉय ई वाडे गारंटेड वुमेन रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। दिस पब्लिक अवेयरनेस कॉट द गवर्नमेंट अटेंशन एंड इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटिव बिल मेंशन अबव। सी रॉय वी वाडे गारंटेड वुमेन्स रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, तो क्या हो गया, लोगों में अवेयरनेस हो गया और गवर्नमेंट ने भी अटेंशन देना चालू किया एंड दे इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटिव बिल विच इज मैंशन अबव। अदर वे सोशल मूवमेंट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इज थ्रू लीगल फ्रेमिंग। सी अलग अलग सोशल मूवमेंट है, अदर वे सोशल मूवमेंट और से तरीके हैं जिससे सोशल मूवमेंट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इज थ्रू लीगल फ्रेमिंग। सी लीगल फ्रेमवर्क से क्या है, आप सोशल मूवमेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लीगल फ्रेमिंग इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ हाउ लॉज आर रिटन। सी लीगल फ्रेमिंग क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस। लीगल फ्रेमिंग क्या है, ये एक लॉ है जिसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि लाइक बाबा हाउ लॉज आर रिटन एंड ऑल। ब्लैक लिव्स मैटर BLM मूवमेंट इज अ सोशल मूवमेंट ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट ये क्या है, दिस इज अ सोशल मूवमेंट दैट हैज रिसेंटली इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक ओपिनियन एंड हैज बीन कंपेयर्ड टू द सक्सेस ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। सी ब्लैक लिव्स मैटर क्या है, ये एक सोशल मूवमेंट है जिसने रिसेंटली पब्लिक ओपिनियन पे इन्फ्लुएंस किया है एंड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द सक्सेस ऑफ सिविल राइट मूवमेंट। और इसको किसके साथ कंपेयर किया है, इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू सिविल राइट मूवमेंट। BLM reached its object of making Americans understand the pattern of racism in the United States. See, ये ब्लैक लिवर मूवमेंट जो थी वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्टिव से चल रहा था। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, अमेरिका को अमेरिकन्स को बताए कि वह ये जो पैटर्न ऑफ रेसिज्म है यूनाइटेड स्टेट में कैसा पैटर्न चल रहा है रेसिज्म का, ये अमेरिकन्स को बताना था। सोशल मूवमेंट टेक्निक्स डू नॉट स्टे कंसिस्टिंग बिकॉज दे हैव इवॉक्ड विद द चेंजिंग टाइम्स बाय स्प्रेडिंग देयर मैसेजेस अक्रॉस पब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड इवन टेलीविजन शोज। सी सोशल मूवमेंट टेक्निक्स क्या है, डू नॉट स्टे कंसिस्टेंटली बिकॉज सोशल मूवमेंट टेक्निक क्या है, हमेशा वैसे के वैसे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, उस मूवमेंट को कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ता चाहिए, मूवमेंट को कुछ ना कुछ तो मिलती चाहिए प्रायोरिटी। क्यों, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया पे जाते हैं, ये सब सोशल मीडिया पे चलते हैं। सोशल मीडिया पे क्या क्या आता है, फेसबुक ट्विटर इवन टेलीविज़न पे ये सारा मूवमेंट दिखाया गया था। इट मेक्स द इशू ऑफ द मूवमेंट मोर नोटिसेबल एंड द गवर्नमेंट मोर विलिंगली टू चेंज देयर पॉलिसीज टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द मूवमेंट। सी अब क्या हो गया, इट मेक्स द इशू ऑफ द मूवमेंट मोर नोटिसेबल। अब ये जो इशू था, ये मूवमेंट के जो इशूज थे वो गवर्नमेंट के ध्यान में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। क्यों, क्योंकि जो पॉलिसी है, वो जो मूवमेंट क्यों हो रहा है, कंसर्न ऑफ द मूवमेंट पॉलिसीज क्या है, इन सब की वजह से। सी इट मेक्स द इशू ऑफ द मूवमेंट मोर नोटिसेबल
एंड द गवर्नमेंट मोर विलिंग टू चेंज दिया. अभी ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, वो भी अच्छे से समझ में आ रहा था और गवर्नमेंट भी विलिंग टू चेंज दिया पॉलिसी ताकि वो मूवमेंट का साथ दे सके. इन समरी, सोशल मूवमेंट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन मैनी डिफरेंट वेज. सी इन समरी क्या है, सोशल मूवमेंट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन मैनी डिफरेंट वेज. दे कैन मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द इशूज दैट अदर्स सफर फ्रॉम. सी दे कैन मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द इशू. वो लोगों को पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं बहुत से इशूज़ के बारे में जो पब्लिक को पता नहीं थी या फिर वो उसको लेके सफ़र कर रहे हैं. देन विल मूव टूवर्ड्स द कंसेप्ट. द जर्मन सोशलिस्ट फर्दिनंदन टॉनेसी स्टेटेड दैट पब्लिक ओपिनियन हैज़ द इक्विवेलेंट सोशल फंक्शन इन सोसाइटीज विच रिलीजन हैज़ इन कम्युनिटीज. अब ये जो जर्मन सोशलिस्ट है फर्दिनंदन टॉनेसी, व्हाट ही टोल्ड कि पब्लिक ओपिनियन को क्या है, पब्लिक ओपिनियन हैज़ द इक्विवेलेंट सोशल फंक्शन. सी पब्लिक ओपिनियन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कोई सोशल फंक्शन है सोसाइटी में या फिर रिलीजन कम्युनिटी में. आप हर कोई फंक्शन करते हो, कुछ भी फंक्शन, लाइक आजकल तो लोग अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे भी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो आप हर त्यौहार, हर फंक्शन कम्युनिटी में धूमधड़ाके से सेलिब्रेट करते हो ना, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है वो फंक्शंस वगैरह आपके घर में वगैरह. उसी तरह ये पब्लिक ओपिनियन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. एज पर जर्मन सोशलिस्ट फर्दिनंदन टॉने, अकॉर्डिंग टू हबरमस द पब्लिक स्पीयर और सी अकॉर्डिंग टू हबरमस द पब्लिक स्पीयर और बोर्गेजस पब्लिक इज वेयर समथिंग अप्रोचेस पब्लिक ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड. सी अकॉर्डिंग टू हबरमस द पब्लिक स्पीयर क्या है, द पब्लिक स्पीयर और बोर्गेजस पब्लिक इज वेयर समथिंग अप्रोचिंग पब्लिक ओपिनियन. जो उसको क्या बोला है, जो कुछ भी पब्लिक ओपिनियन अपन अप्रोच करते हैं कैन बी फॉर्म्ड. हबरमस स्टेटेड दैट द पब्लिक स्पीयर फीचर्ड यूनिवर्सल एक्सेस, rational debate and discredited for rank. However, public opinion in Western democracy is highly manipulated. See, Habermas उसने क्या बोला, ये जो public sphere it featured universal access, इसको universal access मिला, फिर it got the rational debate and discredited from rank. discredited from rank मतलब क्या बाबा, आप तो ऊंचा नीचा इन सबको इम्पोर्टेंस नहीं था. हाउएवर पब्लिक ओपिनियन इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज़ हाईली मैनिपुलेटेड. सी इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, हाईली मैनिपुलेटेड है. अकॉर्डिंग टू ब्लमर पब्लिक ओपिनियन इज़ डिस्कस्ड एज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर विच इज़ मेड अप ऑफ दोज हु आर डिस्कसिंग अ given public issue at any one time. See, according to Blummer, kya hai, public opinion is discussed as a form of collective behavior which is made up of those who are discussing, jo public opinion discuss kar rahe hain, public issues raise kar rahe hain us waqt ka. Public opinion has an important role in the political sphere, it studies voting behavior. See, public opinion ko kya hai, हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल स्पीयर में. पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों, इट स्टडीज़ वोटिंग बिहेवियर. पब्लिक ओपिनियन से अपने को लोगों का, लोग किसको वोट करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में पता चलता है. दिस हैव रजिस्टर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपिनियंस ऑन मैनी इशूज़, हम एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स
on election results and have contributed to our knowledge about the effect of government propaganda and policy. See, these have registered the distribution of opinion on many issues, have explored the impact of special interest group on election, election results, फिर नॉलेज इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, इन सब पे असर होता है. प्रेजेंट क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. सी, प्रेजेंट क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन इस तरह से कैटेगराइज्ड हो जाती थी. Quantitative measures of public distribution. See, quantitative measures of opinion distribution. अभी किसके क्या opinion है वो सारे पहले distribute करो. फिर investigation of the internal relationship among the individual's opinion that make up public opinion on an issue. See, पहले कितने लोगों के क्या क्या decision opinion है उन सब चीज़ों पर पहले ध्यान दो. फिर आप investigate करो internally कि बाबा इंडिविजुअल्स के ओपिनियन एक दूसरे से कितने अलग है और कितने मिलते जुलते हैं. देन डिस्क्रिप्शन और एनालाइजिंग ऑफ द पब्लिक रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन. फिर डिस्क्राइब करना या फिर एनालाइज करना पब्लिक रोल कितना है पब्लिक ओपिनियन में. स्टडी बोथ ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया दैट डिसेमिनेट द आइडियाज ऑन विच ओपिनियंस आर बेस्ड and of the use that propagandists and other manipulators make of this media. See, study both of the communication media. मतलब जितने views है जो views है वो सब पहले study करो. हाँ, सारे ideas, opinions सब किसके ऊपर based है ये सब देखो. और media किस तरफ manipulator कर सक क्या कर रही है, manipulate कैसे कर रही है, क्या कर रही है, इन सब का पहले स्टडी करो. पब्लिक ओपिनियन कैन बी ऑब्टेन थ्रू सर्वे सैम्पलिंग. पब्लिक ओपिनियन कैसे आ सकता है आपके पास, कैसे मिल सकता है आपको, थ्रू सर्वे सैम्पलिंग. प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स यूज सर्वे टू इन्फॉर्म पब्लिक पॉलिसीज एंड पब्लिक रिलेशंस. प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो सर्वे का पूरा अच्छे से यूज करते हैं ताकि वो पब्लिक पॉलिसीज एंड पब्लिक रिलेशंस लोगों तक पहुंचा सके. दे कैन इन्फॉर्म दिस पीपल एंड ऑल. विल फाइंड अप अवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन. मीनवाइल रीड द टॉपिक वेल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माय मेल आईडी. माय मेल आईडी इज rasika.pagaria@arahamedu.in. थैंक यू.